एज एडसेमेंट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल विद रेफरेंस टू फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इस टॉपिक को अभी हम डिस्कस करेंगे डी ए स्टूडेंट्स आपके साथ बेसिकली डिवेलपमेंट ऑफ फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं क्या कैसे ऑपरेट होंगे कैसे चेक होगा फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को डिवेल्प किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में फिर एम्प्लॉज़ को ट्रेन किया जाता है फिर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है फिर उनको फर्दर एवेल्यूट किया जाता है ताकि वो चीज़ दोबारा पैदा ना हो

आर्गेनाइजेशन में जब कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाए तो आपको मालूम है कि वो बॉडीज जो उसके रेलिवेंट्स है जैसे फायर फायर आपके वो जो देखा गया है कि वन वन टू टू है रेस्क्यू है फायर को कंट्रोल करने वाली बॉडीज हैं या इसके अलावा बाकी जो है जो आपको इन सर्टन सिचुएशन रेस्क्यू कर सकती हैं उनको नए स्टैंडर्ड बनाने पड़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे प्रॉपर वे में फेसिलिटेट कर सकते हैं बेसिकली ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन फाइव स्टैंडर्ड्स हैं जैसा कि ट्वेंटी नाइन सी एफ और नाइनटीन टन पॉइंट वन फाइव सिक्स सब पार्ट एल ये बेसिकली है क्या इसके अंदर वो स्टैंडर्ड बयान किए गए हैं कि जो कि इन केस ऑफ फायर फायर अलार्म फायर रिलेटेड इशूज़ और वो चीज़ जिसकी वजह से फायर पैदा हो सकती है उसको कैसे कंट्रोल करना है कैसे मोनिटर करना है और किस हद तक उसके ऊपर आपका कंट्रोल होगा ताकि आर्गनाइजेशन में वो एक्टिविटी दोबारा ना हो सके आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन फायर इक्विपमेंट, सुशन जो भी फायर रिलेटेड यूज़ होंगे उनके अलहदा स्टैंडर्ड्स हैं फायर के स्टैंडर्ड्स अलहदा हैंटोमेटिक कुछ फिक्सड हैं कुछ ऑटोमेटिक्स हैं जो कि इसको आप ओपन कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली कोई इस तरह के कैमिकल मूव करेंगे छोड़ेंगे कि वो आगे ऊपर काबू पा लेंगे बाद उसको आपने देखा होगा कि मुख्तलि फाजन एडवांस कंट्रीज में जंगलात में आग लगी होती है लेकिन ऊपर से आपका जो एरोप्लेन है या हेलीकॉप्टर है वो गुजर रहा होता है तो कुछ मटेरियल केमिकल डाल रहा होता है तो आग बुझ रही होती है बेसिकली ये स्टैंडर्ड्स हैं जो कि नाइनटीन टन पॉइंट वन फाइव नाइन है नाइनटीन टन पॉइंट वन सिक्स जीरो है ये सारे स्टैंडर्ड्स बेसिकली डील इस चीज़ को कर रहे हैं कि फायर को कैसे कंट्रोल करना है फायर को कैसे प्रोटेक्ट करना है कैसे रिड्यूस करना है कैसे इस किस्म की एक्टिविटीज़ दोबारा ऑर्गेनाइजेशन में ना हो उसको कैसे मैनेज करना है लाइफ सेफ्टी लाइफ सेफ्टी सेकंड एस्पेक्ट है फायर के बाद आपको मालूम है कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लाइफ को सेव करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ सेफ्टी इन्वॉल्व प्रोटेक्टिंग द वहीकल्स वेजल्स लाइव ऑफ पीपल इन बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर फॉम फायर कि फायर से कैसे इन सब इक्विपमेंट्स को मशीन्स को मशीनरी को इसके अलावा लाइव सबसे अहम चीज़ है लाइव ऑफ पीपल कि लोगों की जो जिंदगियां हैं उनको कैसे सेव करना है द प्राइमरी रेफरेंस सोर्स फॉर लाइफ सेफ्टी इज द लाइफ सेफ्टी कोड पब्लिश बाई द एन एफ पी एफ ये बेसिकली बॉडीज हैं जैसे कि आकुपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन हैं ऐसे नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड सप्लाई कंपनीज हैं इसी तरह ये बॉडीज हैं और इनका प्राइमरी काम ये है कि किस हद तक हमने फायर को कंट्रोल करके लाइफ को उसके मुताबिक हमने करना है और जो लाइफ है उसको सेफ बनाना है प्लेम रिजिस्टेंट क्लोदिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो लास्ट है इसमें हम डिस्कस करने लगे हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो इम्प्लाईज हैं उनको चाहिए कि वो क्लोदिंग इस तरह के पहने क्लोथ इस तरह के पहने कि जो कि आसानी से आग जिसको ना पकड़ सके इससे भी काफी हद तक आपकी सेफ्टी हो सकती है फॉर एग्जाम्पल फॉर एम्प्लाइज हु वर्क इन जॉब्स इन विच फ्लेम्स और इलेक्ट्रिकल आर्क्स में रख वेरिंग फ्लेम रेजिस्टेंस क्लोथ कैन बी लाइफ सेवर देन आकुपेशनल सेफ्टी हेल्थ स्टैंडर्ड रिंग सी एफ आर नाइनटीन टेन पॉइंट टू सिक्स 1910.269 ये स्टैंडर्ड है जो इसको डील कर रहा है लेकिन इसका कंक्लूजन डी स्टूडेंट्स ये है इंप्लाइज को वो ड्रेस पहनने चाहिए जो कि फ्लेम रेजिस्टेंस क्लोथिंग हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन में किसी किस्म की जो फ्लेम रिलेटेड आइटम्स हैं उनसे बचा जा सके